हेलो स्टूडेंट्स आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में देखिए आपको पता ही है कि बी का सिलेबस 2024 में पूरी तरह से बदल चुका है और इसी क्रम में जो है वो सिलेबस बयालीस ब्रांचों के लिए बिल्कुल एक जैसा कर दिया गया है और उसी क्रम में अब सारे फर्स्ट ईयर के बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ना सब्जेक्ट अनिवार्य है और इसमें जो है वो टोटल चार ही लेक्चर होंगे आपके वीक में वो भी प्रैक्टिस में ड्राइंग का काम होता है और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से पहले चलता था और अब इसका नाम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कर दिया गया है तो क्या क्या सिलेबस है इसके बारे में देख लेते हैं देखिए यूनिट नंबर वन है इसमें फ़ाइव शीट्स में, में होगा काम और इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स मटेरियल लेआउट एंड साइज ऑफ़ ड्राइंग शीट्स एंड ड्राइंग बोर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स एज पर बी आई एस स्पेसिफिकेशन प्रैक्टिकल ऑफ वर्टिकल हॉरिजोंटल एंड इंक्लाइन लाइन्स जो मेट्रिकल फिगर्स सच एज़ ट्राइंगल्स रेक्टेंगल्स सर्कल्स एलिप्स एंड कर्व्स हैक्सागोनल पेंटागन विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स कॉमन सिम्बल्स एंड कन्वर्जन कन्वेंशनस ऑफ मटीरियल यूजिंग यूज इन ग्रा इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको मनी टॉफ्टर की भी ज़रूरत पड़ती है कई इंस्ट्रूमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है जो कि आपकी क्लास चलेगी तो आपको बता भी दिया जाएगा फ्री हैंड एंड इंस्ट्रूमेंटल लेटरिंग अल्फ़ाबेट एंड न्यूमरल्स कैसे लिखे जाएंगे तो ए बी सी डी जैसे लिखना है या किस तरह से कैपिटल लेटल सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल एंड इनक्लाइन सीरीज ऑफ फाइव एट ट्वेल्व एम इन द रेशियो ऑफ सी सेवन इज टू फोर इसके बाद डायमेंशनिंग में जो है वो नेसेसिटी मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स डायमेंशनिंग ऑफ ओवर ओवरऑल साइज सर्कल्स थ्रेडेड होल्स फिर है कैम्फ़र्ड सर्फेस एंगल्स टेपर्ड सर्फेसेज होल्स इक्वली स्पेस्ड ऑन पी सी टी काउंटर संक होल्स काउंटर बोर्ड होल्स सिलेंड्रिकल पार्ट्स नैरो स्पेस एंड गैप्स रेडियाई कर्स एंड आर स्केल्स ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है स्केल्स में नीड एंड इम्प्रोमेंट नीड एंड इम्पॉर्टेंस थ्योरी आर एफ टाइप्स ऑफ स्केल्स एंड लेंथ ऑफ स्केल ड्राइंग ऑफ प्लेन एंड डायगोनल स्केल्स ये सब चीज़ें पढ़नी है यूनिट नंबर सेकेंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस इसमें आपको इंट्रोडक्शन में फिर उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स ये पढ़ना है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरल टू बोथ प्लेन्स पर पेंडिकुलर एंड इनकलाइंड टू रेफरेंस प्लेन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन डिफरेंट लेमिना लाइक स्क्वायर रेक्टेंगुलर ट्राइंगुलर एंड सर्कल इंक्लूडेड टू वन प्लेन पेरल एंड पर पेंडिकुलर टू अनदर प्लेन एंड फर्स्ट एंगल ओनली थ्री व्यूज़ ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्फेस ये सब चीज़ें देखनी है यूनिट नंबर थर्ड प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड सेक्शंस तो प्रोजेक्शन कैसे किया जाता है डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड्स टू मेक प्रोजेक्शन सोर्सेज टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉलिड इंपॉर्टेंस एंड सेलियन फीचर्स ड्राइंग ऑफ फुल सेक्शन हाफ सेक्शन पारशियल और ब्रोकन आउट सेक्शन ऑफ सक्शन रिवॉल्व सेक्शंस एंड रिमूव सेक्शंस तो इन सब की ड्राइंग कैसे बनती है कन्वेंशन सेक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स कन्वेंशनल ब्रेक्स फॉर शेफ्स पाइप्स रेक्टेंगुलर स्क्वायर एंगल चैनल रोल्ड सेक्शंस फिर यूनिट नंबर फोर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस इंट्रोडक्शन आइसोथर्मिक स्केल एंड नेचुरल स्केल आइसोमेट्रिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग लाइन सर्कल्स एंड आर्क्स शेप ओनली कन्वर्जन ऑफ आर्थोग्रोफिक आर्थोग्राफिक व्यूज़ इनटू आइसोमेट्रिक व्यू प्रोजेक्शन ये चीज़ें देखनी है इंट्रोडक्शन टू ऑटो कैड ऑटो कैड एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको जितनी जल्दी ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए डिटेल में वो सही रहता है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए इसमें यह है कि बेसिक इंट्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन ऑफ़ वेरियस कमांड्स इन ऑटो कैड एटलीस्ट टू शीट्स ऑन ऑटो कैड ऑफ क्यूब क्यूबॉइड पिरामिड ट्रंकेटेड कौन एंड पिरामिड, फेयर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एब सॉलिड्स ऑटोकैट ड्राइंग विल बी इवेल्युएटेड इंटरनली बाई सेशनल मार्क्स एंड नॉट फॉर फाइनल थ्योरी पेपर तो ये वाला जो शीट्स बनेंगी आपकी ऑटोकैट ड्राइंग, ये वाली चीज़ में बाहर से क्वेश्चन बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा ये आपके इंटरनल मार्क्स के लिए इसकी चेकिंग होगी तो ये इसका पूरा सिलेबस है पाँच यूनिट है इसमें अगर हम देखें जाकर के इसमें तो किस किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो इसके बारे में जो है वो जानकारी कर सकते हैं तो ये इसका सिलेबस रहा और इसकी तैयारी आप ढंग से करिएगा क्योंकि ये कोर से हट के लीक से हट के सब्जेक्ट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो थोड़ा बहुत आप पढ़ के भी आए होंगे कम्युनिकेशन स्किल में भी थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा होता है जो डिप्लोमा में जब बच्चा आता है तो उसके लिए बिल्कुल नया होता है तो इसके लिए आप बिल्कुल अलग से बिल्कुल दिमाग लगा के मेहनत करिएगा जो टीचर बताएँ उस तरह से करिएगा कई यूट्यूब चैनल भी हो सकते हैं हालांकि हम तो नहीं पढ़ाते हैं लेकिन कई यूट्यूब चैनल ऐसे हो सकते हैं जो इसके बारे में अच्छे से तैयारी कराते हों तो उनको आप रेफ़र करिए और कहीं से भी आप पढ़ें किसी चीज़ को भी पढ़ें चाहे आप किताब से पढ़ें चाहे आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ें या किसी भी चीज़ से पढ़ें कृपया उसके लिए समय दें समय मतलब यह है कि अगर वो आधे घंटे में चीज़ समझाई जा रही है तो आप भी उसके लिए आधा घंटा ही लगाएं ये ना सोचें कि मैं इसको फॉरवर्ड करके देख लूँ मैं इसको छोड़ छोड़ के बीच में देख लूँ मुझे जहाँ पे इंटरेस्ट आएगा या मेरे काम की बात जहाँ पे होगी मैं वो कर लूँ अगर आपको फिज़िक्स में पढ़ना है तो केवल मैं डेफ़ीनिशन पढ़ लूँ केवल मैं ये कर लूँ बाकी चीज़ें टीचर बेकार में बता रहा है तो अगर ऐसी सोच के साथ आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ लिख तो लेंगे लेकिन उसको याद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके दिमाग में उससे रिलेटेड कंसेप्ट ही नहीं होंगे तो समय बचाने के चक्कर में जो है वो अपना ही नुकसान हो जाता है और फिर उसका खामियाजा आपको बैक पेपर वगैरह ये इन सब में भुगतना पड़ता है तो इसलिए अभी शुरुआत है आप इसको ढंग से पढ़ें जिस जो तरीके हैं जो पढ़ने के प्रॉपर तरीके हैं सबको तो पता है कि किस तरह से पढ़ना है लेकिन बस उस चीज़ को अप्लाई करना होता है वो अप्लाई नहीं करते हैं तो इसलिए समस्याएँ आती हैं बाकी वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें दोस्तों में शेयर करें चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड है तो हमें मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं मैंने कई वीडियोस में अपना नंबर बताया है जिसको कि आप कॉल करने के लिए कभी ना यूज़ करें व्हाट्सएप पे कोई इमरजेंसी है तो उसको बात करें अदरवाइज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के कमेंट्स में आप कोई बात कहेंगे तो हम उसका भी प्रॉपर आंसर कर सकते हैं आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं हर एक को हमने रिस्पॉन्स दिया है जि जि केवल जिसका, जिसका जो कोई आंसर नहीं हो सकता या एरेवेंट क्वेश्चन है केवल उसी को हम लाइक करके छोड़ते हैं अदरवाइज़ जितना जानते हैं जितना ज़रूरत है उस हिसाब से हम रिप्लाई जरूर करते हैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद